हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको अकॉर्डिंगली करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है NO3 माइनस इज प्लेनर व्हाइल NH3 इज पिरामिडल। सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है N इन NO3 माइनस इज SP2 एंड इन NH3 इट इज SP3 हाइब्रिडाइज। सो लेट्स चेक दिस आउट। सो इसके लिए हम पहले टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फॉर्मूला होता है V प्लस एम प्लस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई टू। V का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, M का मतलब होता है मोनोवैलेंट एटम, A का मतलब होता है एनायनिक चार्ज, C का मतलब होता है कैटायनिक चार्ज। सो एक एक करके हम टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। पहले NO3 माइनस पे निकालते हैं। सो यहाँ पर आप क्या देखो कि नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन डायवैलेंट होता है तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, नेगेटिव चार्ज को एड कर देंगे, डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन में तो उसको 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? SP2। ठीक है, सिमिलरली आप NH3 के लिए निकालते हो तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है 3 डिवाइडेड बाई 2, सो ये आ जाएगा 4। सो अकॉर्डिंगली इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? SP3। ठीक है, सो जब SP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगनल प्लेनर निकल के आता है। ठीक है, ट्राइगनल प्लेनर निकल के आता है। अब 3 ही ऑक्सीजन दे रखे हैं और 3 ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, यानी कि लोन पेयर तो कोई बचेगा नहीं, यानी कि NO3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, ये पूरा प्लेनर होगा, जबकि NH3 के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बट बॉन्ड 3 बनेंगे, यानी कि नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रहेगा। सो ये टेट्राहेड्रली अरेंज रहेगा तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा निकल के आएगा? पिरामिडल निकल के आएगा, क्योंकि एक टेट्राहेड्रल पोजीशन तो लोन पेयर कैरी करेगा। ठीक है, सो सही है कि NO3 माइनस इज प्लेनर व्हाइल NH3 इज पिरामिडल, ये ट्रू स्टेटमेंट है। हाइब्रिडाइजेशन भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट मेंशन की गई है, दोनों ही करेक्ट है स्टेटमेंट। सो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।